आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम फॉरेन अवार्ड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, राइट? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो फॉरेन अवार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, राइट? अपने अब तक के वीडियोस में हमने आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को जान लिया है, तो आज इस वीडियो में हम पार्ट टू ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट टू बेसिकली एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बात करता है। राइट, इसमें हमें दो कॉन्वेंशंस पढ़ना है, एक जेनेवा कॉन्वेंशन और दूसरा न्यूयॉर्क कन्वेंशन। पार्ट टू में बेसिकली हम ये समझेंगे कि फॉरेन अवार्ड क्या होता है और किस तरह से फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स में लाया जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, बिकॉज दिस एक्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, राइट? तो अगर कोई फॉरेन अवार्ड है तो उसका एनफोर्समेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के पार्ट टू के तहत होगा, जिसमें हमें जेनेवा कॉन्वेंशन पढ़ना है और न्यूयॉर्क कॉन्वेंशन पढ़ना है, राइट? तो फॉरेन अवार्ड को समझने से पहले हम समझेंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन को। जब हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन को पढ़ा तो हमने ये जाना कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के 8 काइंड्स हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और फॉरेन आर्बिट्रेशन। तो फॉरेन अवार्ड को समझने से पहले हम फॉरेन आर्बिट्रेशन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फॉरेन आर्बिट्रेशन बेसिकली एक आर्बिट्रेशन है विच इज कंडक्टेड इन एनी प्लेस आउटसाइड द इंडिया एंड अवार्ड गिवन इज इन फॉर्म ऑफ फॉरेन अवार्ड। तो कोई भी आर्बिट्रेशन जो स्टार्ट होता है, any arbitration which takes place outside the territory of India, outside the Indian territory, वो foreign award है। और उस foreign arbitration में जो award दिया जाएगा उस award को हम कहेंगे foreign award। तो बेसिकली देयर इज डिफरेंस ऑफ प्लेस वेयर आर्बिट्रेशन टुक प्लेस। अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इंडियन टेरिटरी के बाहर कहीं कंडक्ट होती है तो उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को हम कहेंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन और जो अवार्ड मिलेगा उसे कहेंगे फॉरेन अवार्ड, राइट? तो फॉरेन
अवार्ड इज बेसिकली द आउटकम ऑफ फॉरेन आर्बिट्रेशन, राइट। व्हेन टू पार्टीज, जब दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में लेकर के आती हैं, विच इज सिचुएटेड इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, और वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजन देता है, उस डिसीजन को हम कहते हैं फॉरेन अवार्ड, क्योंकि जो प्लेस है वेयर द अवार्ड वॉज ग्रांटेड इज नॉट इंडिया, वो इंडिया नहीं है, वो कोई और प्लेस है, वो फॉरेन कंट्री है, इसलिए अवार्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉरेन अवार्ड, राइट। तो यही है फॉरेन अवार्ड। नाउ देखो, ये जो पार्ट टू है बेसिकली फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट के बारे में बात करता है, और फॉरेन अवार्ड को हम दो वेज में या दो बेसिस पर फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराया जा सकता है, जेनेवा कन्वेंशन के बेसिस पर और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बेसिस पर। इट मीन्स पार्ट टू डील्स विथ एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, और इस पार्ट टू में जो चैप्टर वन है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से डील करता है, और जो सेक्शंस होंगे वो होंगे सेक्शन 44 to 52। दीज आर द सेक्शंस विच फॉल्स अंडर एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, और उसमें भी न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से डील करते हैं ये सेक्शंस। नाउ ये तो था कि फॉरेन अवार्ड जनरल मीनिंग क्या है फॉरेन अवार्ड का। नाउ हमारा जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसका जो सेक्शन 44 है वो किस तरह से फॉरेन अवार्ड को डिफाइन करता है, चलिए समझते हैं। सेक्शन 44 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट्स में, सेक्शन 44 क्या कहता है, इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, अगर पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, if there is an arbitration agreement between parties और वो जो arbitration agreement उनके बीच हुआ है, it is made on or after 11th October 1960। तो अगर पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है और उनके बीच जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है वो 11 अक्टूबर 1960 के दिन हुआ है या 11 अक्टूबर 1960 के बाद हुआ है, पॉइंट वन। दूसरा, ऑन डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, और वो जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है, आर्बिट्रेशन क्लॉज में
जिस डिस्प्यूट को पार्टीज ने मेंशन किया है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हुआ है, राइट? ऑन डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज एंड सच डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन देम बिकॉज ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, whether contractual or not, और वो जो dispute उनके बीच arise हुआ है या arise होगा वो because of commercial relationship between them, तो उन parties के बीच जो relationship है वो commercial in nature है। आगे ये clear करता है, it may be in contractual or not, राइट? फोर्थ पॉइंट, अवार्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंडीशन। इन तीन कंडीशंस के बेसिस पर अगर अवार्ड दिया जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, अवार्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंडीशन, अवार्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंडीशन इन अ कंट्री, उस कंट्री में, इन अ कंट्री, उस कंट्री में कहता है विच इज जो कि क्या है, सिग्नेटरी, विच इज सिग्नेटरी टू न्यूयॉर्क कन्वेंशन। Or declared as reciprocating territory by central government, then that award is known as foreign award। तो उस award को हम कहेंगे award is what? Award is foreign award। Now there is two words, यहां पर दो शब्द है, एक है signatory to New York Convention और दूसरा है reciprocating territory declared by central government। Award उस country में दिया जाता है which is सिग्नेटरी टू न्यूयॉर्क कन्वेंशन, विच मीन्स उस कंट्री में अवार्ड दिया जाता है जिस कंट्री ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर सिग्नेचर कर रखा है, या जिस कंट्री को हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर्ड किया है, तो उस अवार्ड को हम कहेंगे एज पर सेक्शन 44 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑफ 1996 फॉरेन अवार्ड। एक बार फिर से हम समझते हैं, देखो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब क्या है। अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित करती है, इट मींस इस पर्टिकुलर कंट्री में जो डिक्री या जो ऑर्डर पास होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर, तो वो पर्टिकुलर डिक्री, वो पर्टिकुलर डिसीजन उस देश में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर बराबर लागू होगा। और अगर इंडिया ने किसी देश को अपना रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है तो इंडिया के नागरिक
अगर इस देश में रहते हैं। और अगर वहां से फिर से वो भारत में आते हैं तो वही लॉज, वही डिक्रीज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर इंडिया में भी लागू होगा। बिकॉज जिस टेरिटरी में वो रह रहे हैं दैट टेरिटरी इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, राइट। तो ये है। और दूसरा क्या है, सिग्नेटरी टू न्यूयॉर्क कन्वेंशन। जिस कंट्री ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर सिग्नेचर कर रखा है उस कंट्री में अवार्ड दिया जाता है तो वो फॉरेन अवार्ड होगा इस एक्ट के सेक्शन 44 के तहत। या जिस कंट्री में अवार्ड दिया गया है उस कंट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने अपना रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है तो उस कंट्री में भी अगर अवार्ड दिया जाता है तो वो अवार्ड कहलाएगा फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 44 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो फॉरेन अवार्ड के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच, और वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 11 अक्टूबर 1960 के दिन का होना चाहिए या उसके बाद का, उसके पहले का नहीं। और वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट है उसे लेकर के होना चाहिए, जो डिस्प्यूट अराइज होता हो बिकॉज ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। और इन तीन कंडीशंस के बेसिस पर अगर अवार्ड दिया जाता है उस कंट्री में जो कंट्री न्यूयॉर्क कन्वेंशन का सिग्नेटरी कंट्री है या जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है तो उस अवार्ड को हम कहेंगे फॉरेन अवार्ड। एंड आई होप कि जो फॉरेन अवार्ड का कॉन्सेप्ट है एज पर सेक्शन 44 वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो यानी अगर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में कोई इंडियन सिटीजन रहता था और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर या कोई डिक्री पास की गई थी तो वही सेम ऑर्डर सेम डिक्री उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी भले ही वो इंडिया में आकर रहने लगे। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यूएई, यूके, बांग्लादेश, हांगकांग, एडन, ये ऐसे देश हैं जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने अपना रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया हुआ है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने फॉरेन अवार्ड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और नोट्स के साथ समझा। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।